How to make anyone instantly like us? How to make anyone मतलब anyone instantly like us? अगर हमें किसी को impress करना है within a second, तो उसको एक अच्छी सी smile करो. सामने वाले को लगे कि वो genuinely मुझसे मिलने में interested था and with a positive energy. क्या बात है, क्या smile है? हंस के दिखा दो यार. ये छुपा रहे हो आप, छुपाना नहीं है. हाँ, ये ठीक, वेरी नाइस, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. इससे अच्छी और कोई क्वालिटी हो नहीं सकती है, क्योंकि जब भी हम स्माइल करते हैं तो क्या होता है, हम इंस्टेंटली लाइकेबल हो जाते हैं. क्या हो गया? अरे अरे अरे, आप ठीक है अजय जी? अगर आप ये नहीं बताते तो हमारी कितनी झंड हो जाती. हाँ नहीं सर, क्या बात है सर, दिल पे ले ली आपने मेरी बात. हाँ मुझे लगता है कई बार मैं अपनी ही बुराई कर रहा हूँ तो मेरे को कोई आप में से आकर के मारने पीटने ना लग जाए. संदीप भाई सर के बारे में बोलता तरीक सर. स्माइल, देखो अभी कितना अच्छा फील हो रहा है ना. क्यों हो रहा है अच्छा फील? क्योंकि हम स्माइल कर रहे हैं. भाई साहब यहाँ तक तो बात हो चुकी थी, इसके आगे बढ़ो ना. हम स्माइल कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है. क्यों लग रहा है? स्माइल करने से ऐसा क्या होता है? दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा. देखो बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि जब भी हम स्माइल करते हैं तो हम पूरी तरह से इस मोमेंट में होते हैं. कभी भी नोट करना, स्माइल कर रहे थे अभी आप पूरी तरह से यहां पर थे, मतलब दिमाग में कुछ घूम नहीं रहा था. दिमाग में फ्यूचर नहीं है, पास्ट नहीं है, कुछ नहीं, हम पूरी तरह से यहां पर हैं. और जब भी हम पूरी तरह से कहीं पर होते हैं तो हमें अच्छा फील होने लगे. दैट इज वन. दूसरा क्या है, देर इज अ फिजियोलॉजिकल रीजन ऑल्सो फॉर इट, कि जब हम हंसते हैं तो हमारे अंदर यहाँ पर ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. एक्चुअल में हंस रहे हो, नकली नहीं, मतलब जो पार्क में होता है वो सब नहीं. रामलीला चलती रहती है 12 महीने, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ एक्चुअल में जब आप हंस रहे होते, जैसे अभी अभी ये स्माइलिंग है, राइट, देखो क्या हो रहा है. बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन. पूरी जो बॉडी वो एकदम से हल्की हो जाती है, स्ट्रेस गायब हो जाता है, अंदर यहां पर कुछ सेंसेशंस हो रही होती हैं. देख पा रहे हो अभी, मतलब कैन यू फील इट? कितने फील कर पा रहे हो? सच बोलना, झूठ मत बोलना. अंदर यहां पर हल्की 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 ऐसा लग रहा है कि कोई खुजा रहा है, मतलब अंदर से होता नहीं है. हाँ मीठी खुजली है. अरे क्या मारा है, वाह वाह वाह, छा गया आज. तो अगर इस तरह से आपने देख लिया तो अब आपको इंपॉर्टेंट समझ आ गई हंसते रहने की. नहीं तो मेरे से सुन लिया और अपने माइंड में फीड किया, हाँ मुझे समझ आ गया, तो आपको कुछ समझ नहीं आया. जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं आया, सब भूल जाओगे. कल अगर आओगे यहां पे तो क्वेश्चन यही होगा कि सर जब आपको सुन रहे होते हैं तब तो बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद सब बैक टू नॉर्मल लाइफ. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कभी भी हम प्रैक्टिकली उस चीज को करके नहीं देखते हैं. अगर आपने खुद कर लिया इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता है. देन आप कहीं पर बैठे भी होगे ना, मतलब अकेले भी बैठे होगे, तो आराम से दुनिया को देख करके हल्की सी स्माइल अपने आप ही आ जाएगी आपके फेस पे, अच्छा फील होने लग जाएगा. जितना अच्छा फील होगा उतनी अच्छी स्माइल, उतनी नेचुरल स्माइल, जितनी नेचुरल स्माइल उतना अच्छा फील होगा. फिर एक लूप बन जाता है, फिर और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, फड़फड़ाओ. तो स्माइल का जो आपने आइडिया दिया ना, मतलब कमाल का पॉइंट था. और क्या है, और कोई कुछ बोलना चाहता है या चाहती है? सर मेरे हिसाब से अगर हम लोग को, हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, तो सबसे पहले हमें दो लोगों से प्यार करना होगा, एक तो जिंदगी से और एक खुद से. एक्सीलेंट पॉइंट है, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. यहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी हैं, मैं बोलना चाहूँगा, मतलब इन्होंने ये जो बात बोली है ना, बड़ा प्यार भरा पड़ा है भाई साहब के अंदर. जस्ट कंसिडर हिम आफ्टर दिस सेशन. अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ, जो बात इन्होंने बोली, दो अलग अलग बातें बोली हैं कि इफ़ यू फॉल इन लव विद आवर सेल्फ एंड लाइफ, आर यू नॉट लाइफ, आर यू नॉट पार्ट ऑफ लाइफ. देखना अगर ये समझ पाओगे तो बड़ा मजा आएगा. ये जो लाइफ है, जो इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ है, इस दुनिया में लाइफ है, इस यूनिवर्स में लाइफ है, क्या हम लाइफ नहीं है? क्या मैं और लाइफ दो चीज़ें हैं, या मैं ही लाइफ हूँ? क्या आप लाइफ नहीं हो?
तो अपने और लाइफ के बीच में एक लाइन मत खींचो, तब मजा आएगा लाइफ में जीने का। मैं ही तो लाइफ हूं, अगर मैं इसको पूरी तरह से समझ जाऊं तो क्या मैं लाइफ को पूरी तरह से नहीं समझ गया? क्या ये लाइफ से अलग है? क्या लाइफ इससे अलग है? तो फॉल इन लव विद लाइफ, यू एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो लाइफ में कौन कौन आ गया? क्या सिर्फ ये आया? आप नहीं आए लाइफ में, जानवर नहीं आए, पेड़ पौधे नहीं आए, आसमान नहीं आया, बादल नहीं आए, बारिश नहीं आई, सब कुछ आ गया। तो इफ यू आर पैशनेट अबाउट लाइफ, नॉट दिस लाइफ, ज्यादातर लोग क्या है, दे आर पैशनेट अबाउट दिस लाइफ बट नॉट दैट लाइफ, कि वो जीता है जिए, मरता है मरे, कोई फर्क नहीं, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। बड़ी कन्फाइंड अप्रोच हो गई, ऐसे लोग बड़े बोरिंग होते हैं। कौन लोग हमको इंटरेस्टिंग लगते हैं? जिनकी विजन थोड़ी सी ब्रॉड होती है, ये बहुत ही नैरो होती है उनकी विजन, यहीं से सोच शुरू होती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। किनके साथ अच्छा लगता है? ब्रॉड होती है, यानी कि आपको पता है कि उस बंदे की या बंदी की जो भी विजन है उसमें आप भी अकोमोडेट हो सकते हो, वही तो पर्सन अच्छा लगेगा आपको। जिसकी लाइफ में सिर्फ उसी के लिए जगह है, किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है, ऐसे बंदे हमको अच्छे नहीं लगते हैं। आप जिसको बोलते हो ना कि माई ड्रीम्स, माई एम्बिशंस, माई गोल्स, इफ यू पैशनेट ओनली अबाउट दैट, बी पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज ठीक है लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही है ना ढंग का, बी पैशनेट। बट इफ यू आर पैशनेट ओनली अबाउट योर डिजायर्स, ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशंस, योर बेनिफिट, योर दिस, योर दैट, देन यू बिकम अगली फॉर द होल वर्ल्ड। फिर चाहे बहुत सक्सेसफुल हो गए हो बाहर की दुनिया में, लेकिन जब घर में आओगे तो पीपल डोंट वॉन्ट टू बी विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। उनको कौन अच्छे लगते हैं लोग? Those who are passionate about life, those who are passionate about everything in life. Because if somebody is passionate about life, he is passionate not just about the bigger things in life, so-called bigger things, which everybody is passionate about, he is passionate even about the small little things in life. Those are actually big. कभी इस तरह से लाइफ को देखो तो कमाल की आपके अंदर से एनर्जी निकल रही होगी। बच्चों को आप देख रहे हो तो इतना इंटेंसली आप देखोगे, इतना डीपली आप देखोगे, और जब इस तरह से आप देखते हो, दैट इज कॉल्ड लव, दैट इज लव। आपको अच्छा लगता है जब कोई आपको अटेंशन देता है या आपकी तरफ ध्यान देता है, या तब अच्छा लगता है कि जब आप कुछ कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ ध्यान दे लेकिन इग्नोर कर रहे हो आपको, कब अच्छा लगता है? सोचो ना, दिस अटेंशन, दिस 100% अटेंशन गिवन टू अ पर्सन इज लव। आगे बढ़े। हाँ ठीक, अब कौन बोलना चाहता है? एक मेल ने बोला, एक फीमेल की बारी, आप बोलिए। हम किसी से बात करते हैं, अगर वो बंदा या वो कोई भी अगर अच्छा लग रहा है हमें, तो वो फर्स्टली वो इंटरेक्शन, वो गुड वे ऑफ टॉकिंग, वो ज्यादा मैटर करती है मेरे ख्याल। एक्सीलेंट पॉइंट। हम ये समझते हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब कि हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करें या हम बहुत ज्यादा पावर के साथ बात करें, दैट इज नॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है? सामने वाला जो पर्सन है उसके हिसाब से उसको समझ करके अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको हल्का सा बदल दो। यानी कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, तो उस वक्त आप भी अपनी एनर्जी हल्की सी बढ़ा सकते हो। कोई पर्सन है सामने वाला वो बड़े लेट बैक तरीके से बात करता है, तो वहां पर ज्यादा आप एनर्जेटिक हो जाओगे तो वो बंदा इमीजिएटली आपसे कट जाएगा। मतलब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या है कि जैसे ही आप कुछ बोल रहे हो या मेरी और अगर आपकी बात हो रही है, तो जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जिस स्पीड से आप बोल रहे हो, जिन पॉजेस के साथ में आप बोल रहे हो, मैं भी उसी तरह से आपसे बात करूं, तो आपको ऐसे लोग अपने आप ही अच्छे लगने लग जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कितनी तेजी से ये काम होगा। और बताओ, हम चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे, तो हमें उसके साथ एम्पैथेटिक होना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आजकल हम लोग मतलब इतने जजमेंटल हो गए हैं कि हम किसी को भी मिलते हैं इंस्टेंटली हम जज अपना जजमेंट बना लेते हैं। हाँ। पर हर कोई चाहता है कि हम उसको सुने और उसको समझें, उसकी प्रॉब्लम्स की जगह पे अपने आप को रख के देखें, तो अल्टीमेटली दैट पर्सन विल लाइक अस। Let's give a big hand for her. जो हमें जज करते हैं वो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें एक्सेप्ट करते हैं वो लोग अच्छे लगते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कि जो हमको जज ना करे, यानी कि जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट कर ले, हम पे लेबल ना लगाए कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा है ये बुरा है ये व्हाटएवर। क्योंकि लेबल लगाने का राइट आपको तब है किसी के ऊपर जब आप खुद परफेक्ट हो। वी ऑल कीप जजिंग पीपल ऑल द टाइम। ये जरा सा न्यूज़ में किसी के बारे में कुछ आ गया, एक सेकंड में हम अपना जजमेंट पास कर देते हैं कि ये बंदे ने ऐसा कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये कितना घटिया आदमी है। आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया अपनी लाइफ में,
सोचा है कभी? तो दिस इज लाइक लुकिंग इन द मिरर. तो वो ही दूसरे को जज नहीं करेगा जो खुद को अच्छे से समझता है, जिसको ये डाउट है. क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं. तो वो एक मिनट में सामने वाले के ऊपर लेबल लगा देगा, देखो मैं तो अच्छा हूं ये बुरा है, मैं सही हूं ये गलत है. जब हम अपने को अच्छे से समझ जाते हैं कि मेरे में भी बहुत सारी गड़बड़ है और बहुत कुछ सही है, ऐसी सामने वाले में बहुत कुछ गड़बड़ है बहुत कुछ सही है, दैट इज एक्सेप्टेंस. यानी कि आप सामने वाले को तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपने खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लिया. ठीक है जी, और बताइए सर. मतलब अगर हम पॉजिटिव थॉट रखेंगे और लोगों के बारे में भी और उस पर्सन के बारे में भी, तो मतलब हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए. पर पॉजिटिव वाइब्स कैसे आती है, कभी सोचा है? हम सब चाहते हैं नहीं चाहते कि हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आए, तो जो भी हमसे मिले वो हमारी तरफ खींचा चला जाए या खींची चली जाए, वट एवर. तो डू वी वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, या फिर ऐसा जैसा एक वो मच्छर मारने की दवाइयाँ नहीं होती हैं कि मतलब जैसे मच्छर दूर भागते हैं तो ऐसे कोई भी आपके पास आए तो दूर भागने लग जाए. डू वी वॉन्ट दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी? लेकिन ज़्यादातर लोगों की ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि उनके पास जाते ही थोड़ी देर में दूर भागने का मन करता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है अंदर, हमें लगता है कि हमारी थिंकिंग के बारे में सामने वाले को पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसा हम सोच रहे होते हैं उसी लेवल की हमारी एनर्जी निकल रही होती है हमारे अंदर से. यानी कि अगर हम किसी के बारे में भी उल्टा सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में नहीं, आपके घर पे कोई पंगा हुआ है और अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, उनके बारे में भी उल्टा सोच रहे हो, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगे नेगेटिव आएंगे? तो इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि बाय नेचर हम सबका बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो क्या है, कि जो लाइफ में कमियां हैं उसको देखना या जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको देखना. बाय डिफॉल्ट ध्यान कहां जाता है? कमियों की तरफ. जैसे दांत टूट जाता है तो जीभ बार बार कहां जाती है? जो दांत है वहां पर जाती है या हाँ जहां नहीं होता है वहीं पर जाती है. ऐसे ही लाइफ में हमारी जो कमियां होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है. क्या कभी भी ऐसा होगा आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कमियां नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा होगा? इज इट पॉसिबल एट एनी स्टेज इन लाइफ? हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा, हमारा ध्यान बाय डिफॉल्ट कमियों की तरफ रहेगा. कमियों की वजह से हम इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिव वाइब्स निकलेंगे. तो हमारा ये जो बाय डिफॉल्ट जो नेचर है, ह्यूमन नेचर कह सकते हो इसको आप, इसको हमको बदलना होगा. इसका तरीका क्या है, जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली देखो आप ऐसा क्या सोच रहे हो, पता लग जाएगा एक मिनट के अंदर अंदर. उसी सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखने लग जाओ. फिर अगर आप कहीं किसी से मिलते हो, बात करते हो, तो कुछ कमाल की एनर्जी आपके अंदर से निकल रही होगी, मजा आएगा, मतलब सामने वालों को अपने आप ही अच्छा लगने लग जाएगा. हाँ बोलिए. अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें लाइक करे, तो हमें सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा. एज इन अगर वो गलत है तो उसको बोलना पड़ेगा तू गलत है. लेकिन सर इससे ना वो बुरा मान जाते हैं. अगर सपोज जैसे ना मेरे को ऐसी आदत नहीं है कि मैं किसी को ना नहीं कर पाती, और इस वजह से मैं बहुत सफ़र करती हूँ. जैसे ही अगर मतलब मेरे पास ऐसे कोई डिसीजन आ जाए जिसमें मुझे येस और नो बोलना है उस बंदे को, तो मैं नहीं बोल पाती नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा. लेकिन जो जैसे बोल देते हैं ना नो, तो वो चीज़ होनी चाहिए. लेकिन मेरे को ये चीज़ सॉल्यूशन लेना है कि कैसे नो बोले बिना उसको हर्ट पहुंचाए. गुड पॉइंट. ये दोनों क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हाँ बोलने की भी और ना बोलने की भी. ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में से, कभी सोचा है हमने? नो बोलना है येस बोलना? नो, एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो दुनिया क्या करेगी, आपको यूज करेगी अपने जो डिजायर उनको पूरा करने के लिए. तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. अब नो बोलने के भी दो तरीके हैं, एक है आप पूरा गुस्से से नो खुंदक में बोल रहे हो, एक है पोलाइटली आप किसी को बोल रहे हो नहीं. अगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली किसी को बुरा भी लगा, तो ऐसे लोग हमको आगे जाकर के बड़े अच्छे लगते हैं, जो पहले आपको जो जोश में हाँ बोल दें और बाद में दो दिन बाद में नहीं 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 होता नहीं है. दोस्त आपस में प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बनाए क्या भाई गोवा का, चले गोवा गोवा गोवा, तो एक दोस्त कहेगा हाँ हाँ चलना चलना. उसके चार दिन बाद में जब ट्रेन पकड़ने के लिए आप अपने घर से निकल चुके हो, ओ यार मेरा नहीं होती ऐसी हरकतें. ऐसे बंदे हमको पसंद है, या फिर वो जो पहले ही मना कर दिया, पहले ही बोल दिया नहीं भाई मैं नहीं जा सकता. तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट येस एंड नो बोथ द थिंग्स. यानी कि जो है सच बोल देना है. डोंट बी रूड, क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब कई बार हम ये निकाल लेते हैं, मतलब वी टेंड टू बी रूड इन ऑर्डर टू बी ऑनेस्ट, वो नहीं करना है. यू कैन बी पोलाइटली Honest. कि अगर कोई पर्सन है जिसका नेचर थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है, तो यू डोंट हैव टू बी ऑनेस्ट देयर, यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन.
आई होप यू गॉट दी आंसर. तो अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है, दैट इज ऑनेस्टी, इंस्टेंटली हो सकता है वो आपको लाइक नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे बंदों को सब लाइक करते हैं. तो अब कौन है जो बोलना चाहता है या चाहती है? सर, व्हेन वी अप्रिशिएट समबडी, दे टेंड टू लाइक अस. अगर हमें किसी में कुछ अच्छा लग रहा है तो हमें उन्हें बताना चाहिए. व्हाट शी सेड इज कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो पर्सन हमको लाइक करता है. क्या सच है झूठ है? लेकिन क्या इन रियलिटी हम अप्रिशिएट करते हैं लोग? ये अप्रिसिएशन चाहते हैं. हाँ, तो जैसे भी इंसान के साथ आप जुड़ना चाहते हो वैसा इंसान हमको खुद बनना है. अगर हम वैसे बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पर्सनालिटी है वो लाइकेबल हो जाएगी. हमें हर वो इंसान अच्छा लगता है जो शेयरिंग करता है, जो सब सीखता है और फिर बांटना भी जानता है. जैसे आज आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, हम मोटिवेटेड हैं और आप सर्व कर रहे हो. क्या पता कल को मैं आपकी भी मदद करूँ, क्यों नहीं हो सकता? वाई नॉट ऐसे ही मैं किसी और की भी मदद करूं. तो अच्छा बॉन्ड भी बन रहा है, मैं शेयरिंग भी कर रही हूं और कुछ सीख सीख के सिखा भी रही हूं. तो ऐसे लोगों के पास हर कोई जाना चाहता है. इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है, लर्निंग एंड शेयरिंग. शेयर सिर्फ वो कर सकता है जो लर्न कर सकता है. बिना लर्न करे हम क्या शेयर करेंगे? आप समझ गए? शेयरिंग में भी बहुत लोगों के अंदर एरोगेंस आ जाता है. हाँ तेरे पास में कम है, ले चल भाग यहाँ से. देखा ऐसे लोगों को? दे रहे हैं तो इस एटीट्यूड से दे रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. नहीं, शेयरिंग इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. दैट इज रियल शेयरिंग, बिकॉज दैट इज लर्निंग ऑल्सो. देखना, ध्यान से समझना, कोई ऐसा टीचर अच्छा लगता है जो आया आकर के सामने खड़ा हो गया, जो मैं कह रहा हूँ बस वो समझते चले जाओ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है भागे नहीं नहीं जो लिखा हुआ है बुक के अंदर, तो बुकिश हो गया ना. तो दैट पर्सन इज नॉट लर्निंग. उसने रट तो लिया है, तोता तो है वो, लेकिन वो एक लर्नर नहीं है. तो जिसने कभी लर्न नहीं किया वो शेयर भी नहीं कर सकता, या उसकी जो शेयरिंग होगी वो सिर्फ नाम की होगी. रियल शेयरिंग मींस, जैसे अभी हम यहां पर हैं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं आकर के आपको एक लेक्चर दे करके चला जाऊं. एक है कि मैं अगर यहां पर आया हूं तो आपको लग रहा है कि मैं आपको सिखाने आया हूं, एक्चुअल में मैं यहां पर सीखने आया हूं. दैट इज शेयरिंग. अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है और मैं आ रहा हूं आपको बताने के लिए, बड़ा बोरिंग हो जाएगा सब कुछ. ऐसे लोग बड़े बोरिंग लगते हैं. नहीं, कौन अच्छे लगते हैं? जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. रियल शेयरिंग मींस कम्युनिकेशन. इट्स नॉट जस्ट गिविंग, इट्स अ कॉन्स्टेंट गिव एंड टेक. जैसे मैं जब हर सेशन में आ रहा होता हूं तो मैं ये सोच करके नहीं आता कि आपको कुछ सिखाना है, क्योंकि आपको सिखाना मेरे क्या किसी के बस में नहीं है. किसी के बस की नहीं है कि कोई आपको कुछ भी सिखा जाए. सीखने वाले की इंपॉर्टेंस है, सिखाने वाले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर एक्चुअल में आप देखोगे इस लाइफ के अंदर. तो अगर दोनों ही सीखने वाले हैं, यानी जो लग रहा है कि सिखा रहा है, अगर वो भी सीख रहा है और सामने जो लोग बैठे हैं वो भी सीख रहे हैं, ये रियल शेयरिंग है, क्योंकि आप दोनों ग्रो कर रहे हैं.